अस्सलाम वालेकुम। ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम क्वेश्चन नंबर वन एमसीक्यू के रिलेटेड होगा। तो आपकी बुक के अंदर टोटल 16 चैप्टर हैं, जिनमें से वाहद एक चैप्टर में से दो एमसीक्यू आने हैं और बाकी सारे के सारे चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा। जिस चैप्टर में से दो एमसीक्यूज आने हैं वो चैप्टर नंबर 11 है। मतलब चैप्टर नंबर 11 में से दो एमसीक्यू आने। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर टू अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 में से बनेगा। और हर चैप्टर में से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन आने। तो ओवरऑल हमारे पास इस चैप्टर में से यानी क्वेश्चन नंबर टू में 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो पेपर में आपने अटैम्प्ट करने हैं वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने पेपर के अंदर अटैम्प्ट करने हैं। तो मतलब क्वेश्चन नंबर टू में से आपके पास 4 क्वेश्चन की चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री बनेगा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 में से। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास 12 ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको पेपर में अटैम्प्ट करने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। सही। तो हमारे पास इस तरीके का से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर फोर बनेगा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में से। चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहे होते हैं वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने जो अटैम्प्ट करने होते हैं वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो मतलब यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग देखी जाए तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 और 2 जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 1 और 2 में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 5 और 15 में से बनेगा। 5 इनऑर्गेनिक है, 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 और 9 में से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 और 10 में से बनेगा और क्वेश्चन नंबर 9 12 और 13 में से बन रहा होगा। अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो चैप्टर नंबर 11 में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 11 में से सिर्फ और सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे और 2 एमसीक्यू आएंगे। अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन 2 एमसीक्यू का देखा जाए तो 8 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 11 में से आ रहा है। तो अगर यहाँ पर सबसे बेस्ट पेयर देखा जाए जो पेपर के हवाले से, जो चैप्टर नंबर 1, 2 का पेयर होगा, 7, 9 का मतलब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 भी सही है, 8वें और 10वें का पेयर है और क्वेश्चन नंबर 9 भी सबसे बेस्ट है, 12वें और 13वें का पेयर है। अगर 8 और 12 चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12 मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन इनके साथ जो पेयर बना हुआ है वो 7 आसान चैप्टरों का बना हुआ है। तो कम से कम 4 पेयर आपको लाजमी करने पड़ेंगे ताकि एक आधा अगर पीछे भी हो, आगे पीछे भी हो जाए तो आपका क्लियर हो सके। तो यहाँ पे जो बेस्ट मैंने 4 पेयर बताया क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9 है। बाकी चेक कर लीजिए जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं तो वही करें। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मिश्री वाला कर लें तो उसमें गलती के चांसेस कम से कम होते हैं। अगर इनऑर्गेनिक वाला भी आता है, चैप्टर नंबर 1 आसान है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर 2 भी आसान ही है, तो चैप्टर 1 और 2 का पेयर भी तकरीबन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यह था जी सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम। अल्लाह हाफिज़।